नमस्कार, धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। अंबानी परिवार, जिसकी गिनती देश के रईस परिवारों में होती है, जिनकी अरबों खरबों की दौलत है, दुनिया के करोड़पतियों में से एक है। यूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई के बारे में हर कोई जानता है। एक तरफ बड़े भाई मुकेश अंबानी हैं, जिन्होंने पिता के कारोबार को बुलंदियों पर पहुंचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई अनिल अंबानी हैं, जो कारोबार में आए उतार चढ़ाव से जूझ रहे हैं। भले ही दोनों भाइयों का बिजनेस अलग हो चुका है, लेकिन दोनों के बीच एक कड़ी ऐसी है जिसने इन्हें आपस में बांध रखा है, और वो है आध्यात्मिक गुरु रमेश भाई ओझा। यूं तो अंबानी फैमिली के धार्मिक कार्यक्रम सुर्खियों में रहते हैं, खासकर मुकेश अंबानी जिस भी तीर्थ स्थल या फिर मंदिर में सोने चांदी से लेकर करोड़ों का दान करते हैं तो खबर बन जाती है। लेकिन परिवार में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति की कोकिलाबेन अंबानी है। आज की तारीख में अगर आध्यात्मिक गुरु रमेश भाई ओझा अंबानी परिवार के करीबियों में गिने जाते हैं, तो इसके पीछे भी कोकिलाबेन अंबानी का हाथ है। बताया जाता है पहली बार रमेश भाई ओझा की कोकिलाबेन से मुलाकात उन्हीं के घर पर हुई, तब वो राम कथा सुना रहे थे। अब जो कि कोकिलाबेन उनके वीडियो पहले से ही देखा करती थी, उनसे काफी प्रभावित भी थी, इसीलिए उन्होंने रमेश भाई ओझा को अपने मुंबई स्थित आवास में राम कथा के कार्यक्रम में आने का आग्रह किया। ये बात तकरीबन साल 1997 की है। उस वक्त अंबानी परिवार के आवास में रमेश भाई ओझा के कथा कार्यक्रम होने लगे। धीरे धीरे अंबानी परिवार और बाबा ओझा की नजदीकियां बढ़ती चली गई और इस तरह से वो अंबानी परिवार के फैमिली गुरु बन गए। अब देखिए ना, फैमिली गुरु होने की वजह से रमेश भाई ओझा पर जितना विश्वास मुकेश अंबानी करते हैं, उतना ही विश्वास अनिल अंबानी को भी है। कहा जाता है जब बिजनेस को लेकर दोनों भाइयों में तकरार हुई, तब आपसी मतभेदों को सुलझाने में रमेश भाई ओझा ने बड़ी भूमिका निभाई। अब देखिए ना, बाबा ओझा अंबानी परिवार के कितने करीबी हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2011 में जब धीरूभाई अंबानी मेमोरियल का उद्घाटन समारोह था, तो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता रमेश भाई ओझा ने ही संभाली थी। वहीं जामनगर में जब रिलायंस रिफाइनरी स्थापित हुई, तो उसका उद्घाटन भी इन्हीं के हाथों हुआ। यहां तक कि देश के पूर्व विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज को गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किए जाने का सुझाव भी इन्होंने ही दिया था। ऐसा नहीं है आध्यात्मिक गुरु रमेश भाई ओझा का करीबी रिश्ता सिर्फ अंबानी परिवार से ही है, आम से खास वो हर किसी के लिए आध्यात्मिक गुरु हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके प्रभाव से अछूते नहीं हैं। पीएम मोदी से उनकी कितनी नजदीकियां हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का आगाज किया था, तब उन्हें भी इस मुहिम का हिस्सा बनाया था। इतना ही नहीं, क्लीन इंडिया को लेकर रमेश भाई ओझा की जमकर तारीफ भी की थी। आज की तारीख में अगर आप आध्यात्मिक गुरु रमेश भाई ओझा के प्रवचन सुनेंगे, तो पाएंगे कि वो धर्म के सिद्धांतों को मौजूदा दौर की व्यवहारिकता के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं।